नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शेर को जंगल का राजा माना जाता है और शेर के जितने भी अंग होते हैं वह तंत्र शास्त्र में प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, शेर को अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। अपने बड़े बड़े संत महात्मा को जरूर देखे होंगे, ये भगवान शंकर जी स्वयं जो है शेर के आसन पर, जो शेर के चर्म होते हैं इसके आसन पर विराजित रहते हैं। बहुत बड़े बड़े संत महात्मा ने भी शेर के आसन पर और मृग आसन पर बैठ करके साधनाएं किए हैं। तो शेर के जो आसन होते चमड़े होते हैं इस पर बैठ करके साधना करने से बहुत ही जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यहाँ तक कि अदृश्य होने की शक्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं। तो आज के जो हमारा वीडियो का टॉपिक है मित्रों, शेर के जो दांत हैं, नाखून हैं, इस पर हैं। देखिए मैं इन सब बातों को मानने से इनकार नहीं करता, क्योंकि तंत्र शास्त्र में बताए गए जो बात होते हैं 100% सही होते हैं। लेकिन आपको अगर ओरिजिनल शेर के नाखून मिले या दांत मिले तब ही आपको फायदा दे सकते हैं। तो शेर के दांत पहनने से, नाखून पहनने से कौन कौन सा फायदा मिलते हैं आज की इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के और भी जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि जो सुअर के दांत होते हैं इसे पहनने से कौन कौन सा अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों जो शेर के नाखून होते हैं तो अगर इसे गले में पहना जाए तो रातों रात किस्मत बदल जाती है, ऐसा बताया जाता है। पुराने जो कहा जाए, अगर आपको किस्मत से शेर के नाखून मिल जाए, पुराने शयानों के अनुसार, जो पुराने बुजुर्ग हैं उनके अनुसार अगर शेर का नाखून मिल जाए, इसे आप गले में पहनते हैं तो बिल्कुल ये किस्मत बदल देते हैं, किस्मत बहुत ही ज़्यादा बलवान हो जाता है। और जिसके पास में भी ये शेर के नाखून होता है वह व्यक्ति धनवान बन जाता है, धन संपत्ति सुख वैभव सब कुछ स्वतः ही आने लगते हैं, वह तेजी से बड़ा आदमी बनने लगते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। जिन लोगों को अपने मतलब दुश्मनों का सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है तो ऐसे व्यक्ति भी अगर शेर का नाखून ताबीज में बनवा करके पहनते हैं तो कोई भी दुश्मन उसके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, उसके कुछ भी नहीं उखाड़ पाते। और दोस्तों यहाँ तक ये भी बताया जाता है कि तंत्र मंत्र जादू की दुनिया में भी शेर के नाखून का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जी हाँ मित्रों, लोग ऐसे मानते हैं कि शेर के जो नाखून होते हैं अगर आप अपने पास में रखते हैं तो किसी भी प्रकार की जो तंत्र बाधा है ये आपके ऊपर में असर नहीं करता। यदि कोई अगर लाख चाहे आपकी बुरा करने के लिए तब भी आपकी बुरा नहीं कर पाते, उनकी जितनी भी शक्तियाँ हैं आपको बुरा करना चाहते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते। मतलब इससे आपको सुरक्षा भी होता है, किसी भी प्रकार के जो नवग्रह की पीड़ा है, तंत्र बाधा की पीड़ा है, ये समाप्त हो जाते हैं। शेर चूंकि माँ दुर्गा की कहा जाए एक प्रकार के हम कह सकते हैं इसे सवारी हैं, तो जो शेर होते हैं क्योंकि माँ जो नवदुर्गा हैं शेर पर विराजित रहती हैं, शेर पर जो है अपने वाहक बनाई हैं, तो जो शेर होते हैं अगर आप इसके नाखून पहनते तो माँ दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है, इससे व्यक्ति का तेजी से उन्नति होता है, वह व्यक्ति जल्द से जल्द धनवान बन जाते हैं, आर्थिक परेशानी दूर हो जाते हैं, किसी भी प्रकार के तंत्र बाधा नहीं लगता। तो ये सारे समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं शेर के नाखून पहन करके। शेर के नाखून और दांत पहनने से भाग्य का उदय भी होता है। तो आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।